तत्पश्चात समुद्र से निकली लक्ष्मी। नहीं, अभी समय है, तनिक धीरज रखो। उसके पश्चात समुद्र से निकली कामधेनु गाय। उसके पश्चात? तत्पश्चात समुद्र से निकली उच्च श्रेय व घोड़ा। फिर ऐरावत हाथी। फिर कौस्तुभ मणि। फिर बताए कौन? लक्ष्मी। नहीं, रंभा। और उसके पश्चात जानती हो क्या हुआ? लक्ष्मी। नहीं, उसके पश्चात इन्हें आवश्यकता अनुसार देवताओं में और असुरों में बांटा गया। सब समझ रही हूँ मैं, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि मुझे सता सको। अच्छा बताओ ना, लक्ष्मी जी बाहर आई ना, नारायण और लक्ष्मी जी का पुनः मिलन तो हुआ ही है। हाँ हाँ, तनिक धैर्य रखो, अब लक्ष्मी जी की ही बारी। लक्ष्मी के लौटते ही देवताओं का सारा बल वैभव लौट आए। जो जो जिसके लिए मूल्यवान था उसे वो मिल गया, और नारायण के लिए जो सबसे अधिक मूल्यवान था स्वयं लक्ष्मी, वो नारायण को मिल गए, और ऐसे हुआ नारायण और लक्ष्मी का पुनर्मिलन। वही प्रसन्नता है जो उस क्षण लक्ष्मी के मुख पर थी। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं तो भला किसे ज्ञात होगा। क्या तुम ये सब छोड़ो ना, तुम ये सोचो कि इस कहानी से प्रेम का कौन सा दूसरा वचन साकार हुआ? कौन सा वचन? यही, यदि आपका प्रेमी आपसे दूर चला जाए, कहीं खो जाए, और उसे पुनः पाने के लिए यदि समस्त संसार खोजना पड़े तो खोजो, यदि मंथन करना पड़े तो मंथन करो, यदि मंथन में विष मिले तो भयभीत ना, यदि दिव्य रत्न मिले तो मार्ग ना भटको, यदि अप्सराएं मिले तो अपना लक्ष्य ना भूलो। अपने इस प्रेम को पुनः पाने के लिए हर संभव प्रयास कर, और किसी भी मोह या लोभ के समक्ष रुकना नहीं। इस प्रेम संबंध को अंत तक परिशुद्ध रूप से निभाना, इसी में मोक्ष निहित है राधा। एक बात कहूं कृष्ण? कहो। जब मैं तुम्हें अपने मन में अनुभव करती हूँ तो मुझे भी वैसा ही स्मरण होता है कृष्ण, वैसा ही अनुभव होता है कि तुम जो करते हो मेरे लिए करते हो, मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हो। अनेक संकट ही क्यों ना आ जाए, तुम कभी नहीं रुके, अनंत रूप से मेरी ओर बढ़ते ही चले गए, क्योंकि ये प्रेम ये है ही अनंत राधा।
कि अनंत काल पहले आरंभ हुआ था और ये अनंत काल तक चलेगा। दूसरी कथा का अंत हुआ, हुआ प्रेम का दूसरा वचन साकार। घर जा रहे थे ना, तो फिर ये तुम मुझे कहाँ ले आए? क्यों, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिवस का उपहार नहीं चाहिए? उपहार? किंतु इस बंजर धरती पर तुम मुझे क्या उपहार दोगे? ऐसा उपहार दूंगा जो अनंत तक स्मरण रखा जाएगा। ऐसा उपहार जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। क्या? रास। रास? किंतु हमें तो 7 फुट की दूरी रखनी है ना, फिर रास कैसे? बैठो बैठो। तुम्हारा ये वचन केवल शरीर तक सीमित है रहा था, किंतु आत्मा से तो तुम सदैव मेरी थी और मेरी ही रहोगी। तो आओ राधा, आज शरीर से नहीं, आत्मा जो अनंत है उससे रास करेंगे। अनंत रास करेंगे। कल में